तो सूबे में भाजपा सरकार आने के पहले पीएससी मामले की लड़ाई की अगुवाई करने वाले अहम चेहरों में से एक ओपी चौधरी ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है। इस गड़बड़ी में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ पीएससी में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। हमारे साथ सरकार के अहम चेहरा वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया। एक बड़ा मामला था पीएससी घोटाला, आज एफआईआर दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू। जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ और वो माता पिता जो अपने बच्चों को कभी कोई गहना बेचकर कोई खेत बेच करके एक अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई करने के लिए कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भेजते थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसकी लड़ाई को पिछले 4 सालों में लगातार हम लोग लड़ रहे थे और आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है। और मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि जो पीएससी में गड़बड़ी किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी क्रम में हमारी सरकार संजीदा से निर्णय कर रही है और अभी पीएससी के जो तमाम लोग थे जिन्होंने अपने बेटे को बहू को इस तरह के लोगों को गलत तरीके से जो किया है उस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का भी निर्णय लिया है। जो दोषी हैं उनको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, सूक्ष्मता के साथ जांच की जाएगी और आगे बेहतर और पारदर्शी तरीके से कैसे एग्जाम हो सके उसके लिए रिफॉर्म एजेंडा रिक्रूटमेंट में पीएससी में जो है उसको भी हमारी सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। 2 सालों में 48 शिकायतें आई, राष्ट्रपति को शिकायत गई, प्रधानमंत्री को गई, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था और जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा था इस मुद्दे पर बारीकी से जांच होगी और जिम्मेदारों को कटघरे के पीछे भेजा जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि कैबिनेट ने सीबीआई को भी रिकमेंडेशन भेजा है, सीबीआई इंक्वायरी के लिए केंद्र को चिट्ठी भी लिखी गई है, क्या यह पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलेगा सीबीआई और ईओडब्ल्यू की? आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने पहले ही निर्णय लिया है कि इसमें बहुत संजीदा है हमारी सरकार और ये सब लीगल प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें होंगी, इसमें किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगल प्रोसेस के तहत होगा सारी चीज़ें और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए और पीएससी में पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म एजेंडा को लाने के लिए संकल्पबद्ध है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर हुआ है, उस वक्त जो सेक्रेटरी थे वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, कई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी नामजद एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है। लंबी प्रक्रिया होगी जांच की, जाहिर सी बात है। लगता है कि जिन वादों के बूते बीजेपी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, सलाखों के पीछे तमाम चेहरे जाते नजर आएंगे। देखिए पॉलिटिकल से ज़्यादा ये छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय का, उनके साथ उनके बेहतर भविष्य का ये हमारा संकल्प है। हमारे राजनीतिक से बड़ा ये युवाओं के हित में हमारा एजेंडा है और निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरे लीगल प्रोसेस में पूरी तरह से खड़ी रहेगी और दोषियों को सजा मिले और साथ ही साथ रिफॉर्म एजेंडा लागू हो इसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। आप खुद एक यूथ आइकॉन रहे हैं और पीएससी को लेकर मोटिवेट भी यूथ को आप करते रहे हैं। राज्य में अब जो पीएससी की परीक्षाएं आगे होंगी या दूसरी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जो आगे होंगी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर सरकार कितनी ज़्यादा संजीदा नज़र आती है? अभी आप देखिए कि गुड गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार कितनी संकल्पबद्ध है, उसको जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रहे हैं उसी में आपको अंतर साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में ये अंतर साफ तौर पर देखा समझा जा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, भर्ती अपॉइंटमेंट हो, पिछली सरकार की तरह यहाँ भी अगर भ्रष्टाचार होने लगता है तो गुड गवर्नेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी को रिक्रूटमेंट करते हुए कोई पैसा ले रहा है तो जीवन भर 30-35 साल यही सोचेगा कि पैसा दे के ही शायद काम होता है दुनिया में। क्या किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही पैसे के आधार पर अगर किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही हो रही है तो उसको तो भ्रष्टाचार करने का एक तरह से खुला लाइसेंस दे देते हैं, दे दिया जाता है, जैसा कि पिछले सरकार के समय में हो रहा था। गुड गवर्नेंस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स रिक्रूटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और उसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है ओपी चौधरी। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है और
इस एफआईआर के बाद ये उनका पहला रिएक्शन था। ओम प्रकाश चौधरी ये कह रहे हैं कि सूबे की सरकार बेहद संजीदा है और जिन वादों के बूते बीजेपी सत्ता में आई थी उन वादों को बीजेपी पूरा करती नजर आएगी। पीएससी एक अहम और बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहा है। कैमरामैन घनश्याम पंडित के साथ आशीष तिवारी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।